एंड पेपर इंडस्ट्री। हम यहां से स्टार्ट ले रहे हैं और सबसे पहले बात हो कि ये पेपर क्या है। पेपर एक थिन मटेरियल है कि जिसे हम लिखने के लिए, प्रिंटिंग के लिए और पैकेजिंग इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम इसे बनाते हैं। इट इज मेड बाय प्रेसिंग टुगेदर माइस्ट फाइबर्स, टिपिकली सेलुलोज पल्प डिराइव्ड फ्रॉम वुड। आजकल तो वुड से ही इस्तेमाल होता है। रेग्स कोई ओल्ड जमाने में कपड़े इस्तेमाल हुआ करते थे, और ग्रास वगैरह भी इस्तेमाल होता रहा। सो एक थिन शीट है पेपर, और इसे बनाया जाता है माइस्ट फाइबर, यानी गीले जो फाइबर्स होते हैं सेलुलोज के, तो उनको प्रेस करके उससे पेपर बनाया जाता है। लाइक ये आप देख रहे हैं, इसके यूजेस हैं, ये प्रिंटिंग आप देख रहे हैं, और साथ साथ ये पैकेजिंग है मुख्तलिफ किस्म के, तो ये इसके यूजेस हैं। हिस्ट्री इसकी जो है पेपर की, तो ये यूनानी जबान पेपायरोस से आया, ठीक है। और पेपायरोस इट इज फॉर दी जिसको हम कहते हैं सेप्रस पेपायरस। तकरीबन 3700 से लेके 3200 BC में ये वर्ड वहां से आया, सेप्रस पेपायरस। ये सेप्रस पेपायरस क्या है? ये एक पौधा है, ट्रायंगुलर इसका स्टेम है, और सेप्रस पेपायरस ये पौधा जो है, ये पहली मरतबा कागज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। ये इसका आप देख सकते हैं हाइट, अगर आप ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर करें तो ये उससे थोड़ा सा बड़ा है। ये इसके लीव्स हैं, और आजकल इसको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑर्नामेंटल पर्पस का मतलब यह है कि डेकोरेशन के लिए लॉन्स वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेडेसेसर टू मॉडर्न पेपर, जो मॉडर्न पेपर है, इसकी इब्तदाई जो हालत थी, फॉर्म जो था, तो चाइना ने 2nd सेंचुरी में किया। और जो चाइना की चार बड़ी इन्वेंशंस हैं, उनमें से ये आता है पेपर। कंपस बड़ी इन्वेंशन, गन पाउडर, इसके अलावा पेपर मेकिंग, तो और इसके अलावा प्रिंटिंग, ये बड़ी इन्वेंशंस थी चाइना की, और इसमें पेपर मेकिंग भी एक आता है। अच्छा, तो चाइना से पेपर जो था वो थ्रू इस्लामिक वर्ल्ड, बाहर इस्लामी दुनिया के थ्रू चाइना से पेपर जो है ये मिडीवल यूरोप तक, ये 13 सेंचुरी में पहुंचा। जो पहला पेपर मिल था, वाटर पावर्ड पेपर मिल, ये बना था यूरोप में 13 सेंचुरी में ये बना था। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ पेपर इन द अर्ली 19th सेंचुरी कॉज सिग्निफिकेंट चेंजेस वर्ल्ड वाइड, अलाउइंग चीप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे ये इंफॉर्मेशन चीप हुई हमारे लिए? अखबारात का जरिया, आप जानते हैं अखबारात पेपर्स पे प्रिंट किए जाते हैं। इसके अलावा खतूत जो हैं, लेटर्स वगैरह और बुक्स। तो पहले जमाने में पेपर बड़ा एक्सपेंसिव हुआ करता था, लेकिन फिर चाइना की इस इन्वेंशन ने, और फिर बाद में जो पेपर मिल बने, उसकी वजह से पेपर बहुत ज्यादा मकदार में बनने लगा। लिहाजा इसकी जो कॉस्ट थी वो कम होती गई, और आम लोगों के लिए इसको ये खरीदना इनके लिए मुमकिन हुआ। चार्ल्स फेनर्टी कैनेडियन था, और केलर, F.G. केलर जर्मन था। उन्होंने पेपर इन्वेंट किया, एक मशीन बनाई, पेपर बनाने के लिए एक मशीन बनाई। और प्रोसेस जो है पल्पिंग का, जो प्रोसेस है कि वुड को पल्प में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पल्प क्या है? पल्प मिसाल के तौर पे अगर आप वुड लें और उसकी डाइजेशन कर लें, छोटे छोटे फाइबर्स आ जाएं, तो फाइबर्स प्लस वाटर, इसको हम कहते हैं पल्प। तो वुड को पल्प में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने एक प्रोसेस दिया 1844 में, और फिर पल्प को पेपर में कन्वर्ट करने के लिए भी एक प्रोसेस इन्होंने दिया। अब वुड जो है उसको हम चिपर्स की मदद से कन्वर्ट करते हैं चिप्स में। कौन सा वुड है? सबने ये देखा है, जिसको हम कहते हैं लाची का पौधा है, और GT रोड पे आप देखेंगे, रोड के किनारे ये मौजूद है। बहुत ज्यादा पानी ये जमीन से खींचता है, और ये इसके लीव्स हैं, लीव्स देख के आपको पता चलेगा। मॉडर्न दौर में इसी
इलायची के पौधे को इस्तेमाल किया जाता है पल्प बनाने के लिए। अच्छा, फिर ये चिपर्स क्या होते हैं? चिपर्स ये हैं कि ये वो मशीन है कि जिसमें ये पूरा दरख्त आप देख रहे हैं पुश किया और ये इसको चिप्स में कन्वर्ट कर देता है। याद रखें कि जो लीव्स वगैरह हैं तो वो अलहदा हो जाती हैं, एक साइड पे आप देख सकते हैं, ये भी है। अच्छा, फिर ये जो है ये छोटे स्केल का है, ये बहुत बड़े स्केल का कमर्शियली यूज होगा। फिर ये छोटे स्केल का है कि यहां से इसमें वुड डालेंगे और यहां से इसके चिप्स निकलेंगे, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। अच्छा, तो चिपर्स जो होते हैं वो मशीनें हैं जो इसको कन्वर्ट करती है चिप्स में। अच्छा, और चिप्स किस तरह के होते हैं जरा देखें, ये आपने देखा होगा, ये भी है, ये चिप्स हैं, वुड के बनाए गए हैं, आप कह सकते हैं तकरीबन 1 इंच तक बड़े, इससे भी जरा बड़े हो सकते हैं, ये वुड चिप्स हैं, और देखा होगा लकड़ी को काट के तो ये चिप्स बना देगा, जैसे कि आलू के चिप्स होते हैं ना, तो ये लकड़ी के चिप्स हैं। और इन चिप्स को फिर कन्वर्ट किया जाता है पल्प में। यूकलिप्टस वुड इस्तेमाल होता है, इलायची का पौधा जो है तो वो इस्तेमाल होता है, फिर उस वुड को पल्प में कन्वर्ट करते हैं। पल्पिंग के लिए जो तरीके इस्तेमाल होते हैं दो मेजर, केमिकल पल्पिंग और मैकेनिकल पल्पिंग। केमिकल पल्पिंग के लिए जो है तो क्राफ्ट प्रोसेस इस्तेमाल होता है, ज्यादातर क्राफ्ट प्रोसेस है आजकल, और इसके अलावा सल्फाइड प्रोसेस भी है। तो वुड को यानी यूकलिप्टस के वुड को चिपर्स की मदद से चिप्स में कन्वर्ट किया और उन चिप्स को फिर पल्प बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पल्प बनाने के दो मेथड्स हैं, केमिकल पल्पिंग और मैकेनिकल पल्पिंग। केमिकल पल्पिंग जो है तो वो क्राफ्ट प्रोसेस है और इसके अलावा सल्फाइड प्रोसेस है। फिर जब पल्प बना उसको फोर्डिनर मशीन के जरिए पेपर में कन्वर्ट करते हैं। ये फोर्डिनर मशीन क्या है हम डिटेल से ये सारा कुछ जो है ये पढ़ने वाले हैं। कंपोजिशन ऑफ वुड, वुड की कंपोजिशन क्या है? प्रोटीन्स, फैट्स, रेजिन्स, ये इसमें 4% है। अदर कार्बोहाइड्रेट्स 16% है। फिर ये सेलुलोज है, 50% सेलुलोज, और ये लिग्निन है। अब देखिएगा, सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं तो उनको लिग्निन ने बांध के रखा होता है। आप कह सकते हैं कि ये जो लिग्निन है ये एल्फी टाइप कोई चीज है, बाइंडिंग एक पॉलीमर है वैसे, इसके फाइबर्स होते हैं लेकिन ये इररेगुलर शेप के इसके होते मॉलिक्यूल, बड़े बड़े लिग्निन बाइंडिंग मटेरियल है और वो सेलुलोज के फाइबर्स को बांध के रखता है। अच्छा, तो ये सेलुलोज के फाइबर्स को बांध के रखता है। अब हमारा काम क्या है कि किसी तरह लिग्निन को डिसॉल्व किया जाए, तो जब ये डिसॉल्व होगा तो सेलुलोज के फाइबर हमारे पास आ जाएंगे और हम इनको फिर पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फिर पेपर कहां पे कितना प्रोड्यूस होता है? चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा पेपर प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, 92.7 मिलियन टन। और दूसरा फिर आप देख सकते हैं यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स, और जापान है, जर्मनी, और फिर बाकी ममालिक हैं। वर्ल्ड पेपर प्रोडक्शन 2010 में कितनी हुई, तो ये इनकी क्वांटिटी है, किस मुल्क ने कितना बनाया? चाइना ने, आप देख सकते हैं चाइना ने ज्यादा पेपर बनाया, फिर ये यूएस है, और इसके बाद जापान है, ये बाकी ममालिक, ये फिर मिसेलिनियस है। तो आप देख सकते हैं ये दो बड़े ममालिक हैं पल्प पैदा करने वाले, पेपर बनाने वाले, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। केमिकल पल्पिंग हम बात करेंगे, लिग्निन जो है इट होल्ड्स द प्लांट सेल्स टुगेदर। अच्छा, केमिकल पल्पिंग प्रोसेस जो है इट ब्रेक्स डाउन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिग्निन। केमिकल पल्पिंग में लिग्निन टूट जाता है और इसको हम, ये चूंकि जरा बड़ा टॉपिक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कर लेंगे।